टैलेंट मैटर करता है लेकिन कमिटमेंट जो है उससे बहुत कहीं ज़्यादा मैटर करती है हाउ द दर आर की बिजनेस वर्ड्स इन इन द कॉल सेंटर्स इन दिल्ली मार्केटिंग फार्म या बी पी ओ जनरल बोलते हैं सो हाउ इज दर आर की लुक लाइक इट इज नॉट स्पेसिफिक टू क्लाइंट्स आई ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज दैट विल बिल्ड आर कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइंट्स अगर आपको ये समझ आ जाए कि किसी दूसरे के करने के लिए दूसरे से करने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है तो इंसान कुछ और चीज़ करे ही ना दैट फीलिंग ऑफ गिविंग यू कैन नॉट बाय विद एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड पीपल रिमेंबर यू फॉर हाउ यू ट्रीट अदर पीपल अली जंजुआ हाउ आर यू सर रात के साढ़े ग्यारह बजे आप आए हैं हमारी तो नींद का टाइम है और आपके तो काम का टाइम है बेस रहीम ऐसे ही है और अब तो काफ़ी अर्सा हो गया रात के काम करते हुए तो एनर्जी आपको पूरी मिलेगी आपको मैचअप करना पड़ेगा हाँ इन विल ट्राई माय बेस्ट और ये क्या एक, एक नॉर्म है अमॉन्ग लाइक कॉल सेंटर्स फॉर इन बाउंड एंड आउट बाउंड कॉल लाइक बिजनेस जनरेशन थ्रू टेली मार्केटिंग उनका ज़्यादातर रात को ही काम होता है या इज़ इट स्पे स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान के हमें प्रोजेक्ट्स इस तरह मिलते हैं कि यार हमें रात को जागना होता है वट अबाउट द रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पर जब इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो नाइट की शिफ्टें होती हैं टाइम जोन का डिफरेंस है ना यू एस प्राइम टाइम जो है हमारी रात होती है और यूरोप भी ऐसे ही है यूरोप थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है लेकिन प्राइमरली यू एस इज़ द बिगेस्ट मार्केट तो उसके मुताबिक जो है रात चलती है अक्रॉस फॉर दोज हु डोंट नो वट यू डू एंड अबाउट योर कंपनी लाइक प्लीज़ गिव अस अ ब्रीफ़ इंट्रो सो आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर ट्वेंटी ईयर्स बीस साल हो गए और मैंने स्टार्ट किया था एज अ कॉल सेंटर एप काफ़ी लंबी जर्नी मेरे वाल साहब की डेथ होगी थी जब मैं काफ़ी छोटा था आई वॉज़ सेवन ईयर्स ओल्ड और हमारी वालदा ने जो है हमें रेज़ किया और हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम देखा वो मेरे वालद साहब काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस मैन थे लेकिन जब वो ही पास्ट वे तो जो सब कुछ था उनका इट गॉट टेकन अवे कुछ रिश्तेदारों ने कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने तो हम यतीम बच्चे थे तो किसी ने हाथ नहीं रखा सर पे और अब मैं वापस देखता हूं, तो कहता हूँ कि अलहमदिल्ला अच्छी बात थी कि नहीं रखा था एक तो एहसान दूसरा जताते दूसरा क्योंकि अगर आपके साथ कोई नहीं होता तो अल्लाह सबाना तै आपके साथ होता है यू जब आपके सेवन. सा, साथ साल साथ के थे साल आप सात साल का था और सबसे बड़े थे आप सबसे बड़ा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके आपके शोल्डर पर आ गिरी मैं तो ऑब्वियसली छोटा था मेरी वालदा थी तो उन्होंने काफ़ी टफ़ टाइम देखा उन्होंने किसी भी तरीके से हमें कुछ बेसिक स्कूलिंग दिलाई लेकिन फिर एक टाइम आया कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था तो स्कूल के पैसे भी हमारे पास नहीं थे और आखिरी वक्त था ऐसा था कि हम एक घर में रहते थे अब मज़ेदार बात ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं यी वॉज़ बिग प्रॉपर्टी गाय तो वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट टाउन जो हैं इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में उन्होंने बनाए थे जंजुआ टाउन के नाम से अडयाला रोड के ऊपर तो वो जब उनकी डेथ होगी तो वो सब कुछ चला गया था तो वक्त आया कि हम एक घर में रहते थे और हमारा किराया था ग्यारह हज़ार तो हमने तकरीबन एक साल से किराया नहीं दिया था कुछ था ही नहीं तो वो जो लैंड लेडी थी वो मुल्क से बाहर होती थी तो एक दिन आ गई घर <laughs> उन्होंने बिजली पानी बंद किया और हमें घर से जो है निकाल दिया और दिस इज़ इस तकरीबन इसको इतने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ तरीबन अठारह साल हुए इस बात को तो हमें घर से निकाल दिया और अब हमारे पास ना कहीं जाने को जगह थी ना पैसे थे ना कोई रिश्तेदार था तो अल्लाह सबाना ताली ने हाथ पकड़ा वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट की वो भी इस तरह स्टार्ट की कि एक मेरा दोस्त था तो उसने मुझे बोला कि यार ये कंपनी खुली है वहाँ पर तुम अप्लाई करो तुम्हारी अंग्रेज़ी थोड़ी बेहतर है कर जाओगे तुम तो। मैंने कहा यार ट्राई करते हैं हम चले गए इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू देने के लिए किस तरह ये हम उसको बाइक भी चलाना नहीं आता था तो वो मुझे घर से पिक करने आए बाइक पे उसके घर गए हमने एक सीवी बनाया तो मैंने कहा भाई तुझे बाइक नहीं चलाना आता तो तो हम वैन पे जा रहे हैं बाइक पर नहीं जा रहे तो हम बैठे वैन के ऊपर उससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए और हम आ गए इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए आए इंटरव्यू दिया तो मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था तो मुझसे जो मैनेजर था उसने एक सवाल पूछा मैं तेज़ था थोड़ा सा तो उसने मुझसे सवाल पूछा कि भाई तुम कितने कमिटेड हो कंपनी से ना तो अब मैं सत्रह साल का हूँ एक्सपीरियंस मेरा कोई है नहीं काम शाम का तो कहते हैं कितने कमिटेड हो मैंने कहा यार ये तो डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ कितने कमिटेड हैं <laughs> 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 तो उसने मुझे ना इंग्लिश में पूछा कि हाउ कमिटेड आर यू तो मैंने कहा तो उस बात पर ना वो हंस पड़ा तो कहता है आई लाइक यू तो उसने जो है ना हायर कर लिया मुझे तो मेरी पहली सैलरी जो थी वो छः हज़ार तीन सौ बहत्तर रुपये थी पैंतालीस दिन बाद आई थी और ये आप जो पहली जॉब थी ये कॉल सेंटर में थी एज अ कस्टमर थीटेटिव रिप्रेजेंटेटिव सी एस आर कॉल सेंटर में ही थी बेसिकली कॉल सेंटर से स्टार्ट किया था और ये मेरी पहली सैलरी थी एंड डिड यू डू बिफोर दैट लाइक किसी और किस्म की जॉब नथिंग ओके नो एक्सपीरियंस नथिंग बस थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की हुई थी तो उसके बाद फिर कॉल सेंटर में स्टार्ट किया वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई पंद्रह साल में रहा उसी जगह कंपनी में काफ़ी कमिटमेंट दिखाई बहुत मुश्किल वक्त भी देखे लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि अपरचुनिटी है और अगर मैं इसमें लगा रहा तो कुछ कर सकते हैं तो पंद्रह साल के अंदर मैं काफ़ी चीज़ों जगहों पे प्रमोट हुआ और इवेंचुअली आई बिकेम अ को ओनर ऑफ दैट कंपनी और को ओनर में बना ऑब्वियसली ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो गई फिर उसके बाद 2017 में अभी जो हमारी कंपनी है वर्क वो हमने सेटअप की और वो हमने 17 में स्टार्ट की थी आठ लोगों से तो आप माशाल्लाह हमारे हज़ार से ऊपर इम्प्लॉज़ हैं माशाल्लाह जब आपने पहली मरतबा सी एस आर के लिए अप्लाई करा राइट तो वर यू गुड स्टूडेंट लाइक नॉर्मली तो हमारे ट्रेडिशनल जो स्कूल होते हैं ना मैट्रिक एफएससी वाले क्योंकि मुझे खुद याद है इवन जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो मेरी इंग्लिश बड़ी ख़राब थी बिकॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं लेकिन बरा नाम हुए होते हैं सही आप स्कूल में दोस्तों के साथ भी कॉलेज में दोस्तों यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ अपनी मादरी जबान ही बोल रहे होते हो राइट एंड गिव एंड टेक जो आपके लेक्चरस भी होते हैं वो भी बड़े उर्दू इतने इंग्लिश वाले होते नहीं है राइट तो वट वुड यू से के जो एक मिथ है इज़ ए ट्रेलिया मिथ बैक इन द डेज़ कि आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए तो तब आप एक अच्छे सी एस आर बन सकते हो बिकॉज यू हैव टू टॉक टू दिस गोरा पीपल राइट और उन्हीं के एक्सेंट में जब तक आप नहीं बोलोगे दे टॉक टू यू तो हाउ देट जर्नी लाइक इंग्लिश का नो हाउ उस वक़्त क्या ओ ए लेवल्स में थे जिसकी वजह से हाँ ओ लेवल्स ओ लेवल्स ही किया था हाँ लेकिन जो मैंने असल में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की थी मैं क्रिकेट बहुत देखता था तो कॉमेंटेटर्स के पीछे रिपीट करके ना अंग्रेजी मैंने बेहतर की थी लेकिन मैं एक आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ समथिंग के टैलेंट मैटर करता है लेकिन कमिटमेंट जो है उससे बहुत कहीं ज़्यादा मैटर करती है मेरे से कई टैलेंटेड लोग थे उस कंपनी में और मेरे से कई टैलेंटेड लोग हैं मेरे इर्द गिर्द भी लेकिन वो हंगर नहीं है वो कमिटमेंट नहीं है तो उसका रिटर्न भी वैसा नहीं है तो जब सी एस आर की भी जॉब थी तो मैंने ये नहीं देखा कि रात है मुश्किल होगी मैं पिंडी में रहता हूँ इस्लामाबाद कैसे आऊँगा खाऊँगा कैसे कभी ये चीज़ें सोची नहीं मैंने ये देखा मुझे एक अपरचुनिटी मिली है और इसको मैंने ओवरकम कैसे करना है और जहाँ तक अंग्रेज़ी की बात है वो आप जब कॉल्स पे होते हैं बात करते हैं टूटी पूटी भी आती हो तो आप सीख जाते हैं क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए बात करनी होती है ती, दो से तीन मिनट तो दो से तीन मिनट तो कोई भी कर ही लेता है इंटरेस्टिंग hmm, तो आपका जो मेन बात थी वो कमिटमेंट थी अपने काम से और आपको क्या लगता है ये जो कमिटमेंट है जो आपने अभी एक स्टेटमेंट दी कि इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो कमिटेड लोगों को सरपास नहीं कर पाते इन वन वे उधर वे हंगर बेसिकली तो हंगर आपकी जो डिराइव हो रही थी वो यहाँ से हो रही थी दैट यू हैव नथिंग एल्स टू फॉल बैक ऑन देर वॉज लाइक नेसेसिटी इज़ द मदर इन्वेंशन कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है

जब आपके पास खाने को नहीं है तो भूखे हैं आप तो आपने करना है लेकिन जब मैं थोड़ा सा ही अरस माद इस पोजीशन में आ गया कि बेहतरी आ गई थी तो वो मेरी कमिटमेंट कम होने के बजाय और बढ़ गई थी कि मैंने देखा कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने ये कर लिया है तो अगर अब मेरे पास जब कुछ है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो आई बिलीव के अक्सर लोग ऑब्वियसली ये देखते हैं कि यार एक बंदे के पास कुछ नहीं था और उसने बना लिया तो ज़बरदस्त बात है और वो क्योंकि टफ़ सरकमस्टांसिस थे तो इसलिए उसने कर लिया जैसे अक्सर जिनके माँ बाप हयात होते और उनके पास पैसे अच्छे होते हैं तो उनके बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं निकलते लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास अच्छे सर्कमस्टांसिज हैं और अच्छी आपके पास पढ़ाई है और आपके ऊपर घर है और छत और सब कुछ प्रोवाइडेड है तो आपको तो और भी ज़्यादा आगे निकलना चाहिए बिकॉज़ यू हैव अ फैंटास्टिक सपोर्ट सिस्टम एक बंदा है ना वो पहाड़ी चढ़ रहा है तो उसके ऊपर एक बैग है जिसके अंदर पत्थर भरे हुए हैं तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है चढ़ना या जिस बंदे के पास बैग खाली है ठीक है तो वो एक मिसकनसप्शन लोगों का ये है कि यार अगर हमारे पास है वो आपने हंगर देखें अल्लाह सुबहाना ने हर इंसान को कुछ ना कुछ दिया है आपने ये देखना है कि आपका जो पर्पस है और आपके पास जो अल्लाह ने दिया है वो है क्या चीज़ है और उसको आपने यूटिलाइज़ करना है बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो वे ऑफ थैंकिंग अल्लाह सुबहाना तै बिकॉज अल्लाह अल्ला ने आपको एक टैलेंट दिया है तो यार उसको आप ज़ाया मत करें ठीक है और सोच को अपनी बड़ी रखें और सोच को बड़ी इस लिहाज से रखें कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब कुछ अर्सा गुजर गया और जब मेरी फाइनेंशली हालात बेहतर हो गई तो मेरी ड्राइव कम नहीं हुई और उसकी वजह ये थी कि मैंने देखा कि अगर मैं इस पीरियड में मैंने ये कर लिया है तो अगर मैं कुछ अरसा लगाऊँ और मैं अगर अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ तो मैं और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ और अलहमदिल्ला मैं आपको ये कह सकता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई गोल डिसाइड किया है कि ये मैंने करना है चाहे वो मेरे अपने लिए था या चाहे मैंने डिसाइड किया यार मैंने किसी और इंसान के लिए ये चीज़ करनी है अल्लाह सुबहाना ताल ने वो हमेशा चीज़ पूरी की है मैं अब बीस सालों में कोई ऐसी चीज़ कभी बता नहीं सकता किसी को कि मैंने सोची हो और अल्लाह ताला ने ना पूरी की आप आपको ओनर बने जिस कंपनी में आपने पंद्रह अठारह साल काम किया व्हाट हैपेंड कि आप को ओनर भी हैं समझ लें कि फाउंडर तो नहीं को फाउंडर कह लो हाँ। को ओनर कह लो शेयर होल्डर कह लो एक्विटी होल्डर कह लो वाई यू देन डाइग्रेस टूवर्ड्स लाइक फॉर्मिंग योर ओन कंपनी वैन यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड हेयर सो आई फाइनेंशली आई विज डूइंग ब्रिलियंट तो हमारे जो सी ओ थे उनका नाम था टॉम स्लोन जबरदस्त आदमी मेरे मैंटोर हैं बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि मैंने ह्यूमानिटी के बारे में और हाउ टू डील विद अदर पीपल एंड टेक केयर ऑफ अदर पीपल उनसे सीखा है इधर नहीं सीखा उनसे सीखा है। और वो भी इस तरह के पहली दफ़ा जब मेरी खैर मुलाकात तो मेरी हुई भी थी लेकिन मैं जब पहली दफ़ा यू गया दो में तो उससे पहले जो है मैं ओबली नहीं गया हुआ था तो जब मैं पहली दफ़ा यूएस गया तो मैं एयरपोर्ट पर लैंड किया डालेस एयरपोर्ट पे तो वो आए मुझे पिक करने अब वो कंपनी के सीईओ थे मैं यंग बच्चा था पच्चीस साल का हूँ मैं डायरेक्टर था मैं कंपनी में था ओनर नहीं था तब तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उधर बेसिकली कस्टमर सॉरी पैसेंजर को ना आप अंदर ही आ जाते हैं जहाँ पे बैग होता है ना घूमरा होता है लगेज एरिया में ही आ जाते हैं मिलने के लिए तो वो वहाँ पर आए मैंने अपना सामान उठा के रखा उनसे मिला तो जब हम गाड़ी की तरफ जा रहे तो उन्होंने मेरा सामान मुझसे पकड़ लिया और वो सामान पकड़ के ना वो लेकर गए उन्होंने गाड़ी में रखा वो मेरा सी है मैं उसके लिए काम करता हूँ वो भी पाकिस्तान से आया हूँ ही सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन ईयर्स ओल्ड वो वाली बात रियली स्टक विद मी के पीपल रिमेंबर यू फॉर हाउ यू ट्रीट अदर पीपल तो जो मेरी जो जर्नी थी वो 2010 में आपको बता रहा हूँ जब मैं यूएस गया और टॉम के साथ में वो मेरे मेंटर थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा बिजनेस के बारे में सीखा सब कुछ किया तो 2011 में जो है ना टच स्टोन हो रहा था हमारी कंपनी थी वो बैंक्रप्ट हो रही थी हालात बहुत ख़राब थे और हमने लोगों के यू नो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने थे सीनियर लीडरशिप सारी छोड़ के जा रही थी तो हम एक टाइम पे चार पाँच सौ की स्ट्रेंथ थी तो हम टोटल सेवेंटी बंदे रह गए थे नो बड़ी उज लेफ्ट तो मुझे गिव अप करने का जो है ना लाइक चाहे लूडो भी हो मैं गिवअप करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए काम तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि यार अपॉर्चुनिटी अभी भी है क्राइसिस इस तरह आया था कि एक तो यू में मॉर्गेज की मार्केट क्रैश कर गई थी दो में प्लस यहाँ पर एक पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स थे तो उनके साथ जो हमारे सी थे टॉम उनका जो है ना फडा चल रहा था तो उसके बीच में काफ़ी लॉस सूट हुए काफ़ा काफ़ी कैश जो है ना ज़ाया हुआ कंपनी का खैर सब छोड़ गए तो 2011 में मैंने दो चार मेरे मैनेजर्स थे उनसे बात की हमारे एक सी एफ थे उनसे बात की मैंने कहा यार कंपनी को हम अभी भी चला सकते हैं ये क्या बात हुई कि हम इतने हर साल गुजारें और बस भाग जाएँ यहाँ से तो हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे तो हमने बेसिकली रुक गया वहाँ पर मैं प्रमोट हो गया जनरल मैनेजर बना मैं जनरल मैनेजर बना मैं और हम कंपनी ने तकरीबन आठ साल से ना प्रॉफिट नहीं बनाया हुआ था बस ब्रेक इवन कर रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं था किस महीने लॉस कभी भी हमने छः महीने में कंपनी को टर्न अराउंड किया और हमने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया तो 2011 हमारा बेस्ट ईयर था फिर 12 को हमने उससे बेहतर किया 13 को उससे बेहतर किया तो हमारे से एक कमिटमेंट हुई थी वो कमिटमेंट ये थी कि यार जब भी एक लॉ सूट चल रहा था कि वो लॉ सूट ख़त्म होगा तो आपको कंपनी की ओनरशिप दे, दे देंगे और ओवर टाइम आप कंपनी ख़रीद लेना और बिकॉज उनकी माशा एज होगी थी वह सेवेंटी प्लस तो उन्होंने कहा कि यार आई वॉन्ट द कंपनी टू बी विद यू गैस और आप लोग इसको चलाना और यू नो तो हमने कहा जबरदस्त 2014 में हमें ओनरशिप मिल गई कंपनी की फिर उसका एक स्टेप था कि हमने बाक़ियों को बाय आउट करना था तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर कुछ हुआ ऐसे कि उन्होंने जो है जो कमिटमेंट थी उससे थोड़ा सा वो पीछे हट गया और वो आई डोंट ब्लेम हिम उनकी वजह ये थी कि उनकी जिंदगी में इस कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंस थी बिकॉज वो पर्सनली इन्वॉल्व थे एज होगी थी उनकी बिकॉज ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट वो बस एक बिजनेस चला रहे थे बिकॉज माशाल्लाह ही वाज वेरी वेल ऑफ तो खैर हमारा एक थोड़ा सा डिसग्रीमेंट हुआ कि हमें एक कमिटमेंट की हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे कोई मसला नहीं है विल स्टे स्टेयर मुझे बस एक प्लान दे दें कि ओवर वॉट पीरियड ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू डू दिस टूमोरो गॉड फट समथिंग हैपन्स टू यू तो वे डू वी स्टैंड बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं पैसे यू एस में पड़े हैं कंपनी यू एस में सेटअप है अकाउंट्स वहाँ पर हैं तो हम कैसे चीज़ें ऑपरेट करेंगे तो उस बेसिस के ऊपर ज़रा हमारा जो है थोड़ा सा एक जो है ना डिफरेंस हुआ और दूसरा एक जो है मज़ेदार बात ये थी कि एक उनके दोस्त थे तो उनकी बेटी थी तो वो मुझे ज़रा पसंद थी हमारी हमारी रिलेशनशिप थी एंड वी वांटेड टू गेट मैरिड एट दैट टाइम तो वो मेरा पर्सनल मैटर था लेकिन उनको वो बात पसंद नहीं आई तो उस बात के ऊपर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई या तो कंपनी आप छोड़ दें या जो है ना आप लड़की छोड़ लड़की दे। छोड़ दे। <laughs> तो मैंने कहा यार ये फेयर बात नहीं है बिकॉज दैट्स माई पर्सनल बिजनेस एंड इफ आई वॉन्ट टू मैरी समबडी इट इज गॉट नथिंग टू डू विद यू आई रिस्पेक्ट यू यू आर माई बॉस माई सी यू बट यू कैन डिक्टेट वट आई डू विद माई लाइफ तो थिंग्स वेंट अ लिटिल सावर बिकॉज ऑफ दैट तो फिर इवेंचुअली फिर टू थाउजेंड सेवेंटीन में जो है ना मैंने क्विट कर दी क्विट भी इन देंस कि हमने उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक साल और रुक जाओ एक साल बाद में तुम्हें कंपनी हैंड ओवर कर दूंगा मैं ट्रस्टिंग आदमी हूँ अगर आप मुझे कुछ कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा आई यू डोंट हैव एनी रीज़न टू लाइट टू मी तो फिर एक साल बाद लेकिन उन्होंने जो है वो पूरी नहीं की तो मैंने कहा कोई बात नहीं नो हार्ट फीलिंग्स मैंने उनको बड़ा ज़बरदस्त नोट लिखा मैंने कहा जी मैं आज तक जहाँ पे हूँ आपकी वजह से मैं कहता तो जिंदगी में किसी इंसान ने आपके लिए पत्थर भी हटाया रस्ते से ना भूलना नहीं चाहिए एक्सपेक्टेशन होती हैं इंसान की लेकिन वो पूरी हो या ना हो भूलना नहीं चाहिए तो 2017 जनवरी में मैंने छोड़ा और तीन दिन बाद आई क्रिएटेड माय ओन इन माय हेड के यार मैंने क्या करना है क्या कंपनी बनाऊंगा एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्क विद द सेम फिलॉसफी ऑफ योर प्रीवियस कंपनी फॉर व्हिच यू हैव वर्क लाइक फॉर 18 इयर्स उसी फिलॉसफी के साथ आपने बनाई या यू हैड समथिंग न्यू इन योर माइंड के किस किस्म की अब आपको कंपनी बनानी है अगर बनानी भी है सो so, कुछ चीज़ें मैंने डिफरेंट करना चाहता था वो ये था कि जितने भी उस टाइम पे सेंटर्स थे वो पीपल सेंट्रिक नहीं थे मतलब कि बिज़नेस प्रॉफिट बनाता था लेकिन लॉन्ग टर्म लोगों को उस तरह से टेक केयर नहीं कर रहे थे जिस तरह से करना चाहिए तो जब हमने वर्क स्टार्ट किया पहली बात तो मैंने नाम सोचा वर्क कि ऐसा नाम होना चाहिए जो इंस्टेंटली रेकगनाइजबल हो और एक बच्चा भी बोल सके मुँह से कि यार वर्क दूसरा हमने फिलॉसफी ये बनाई कि उस टाइम के ऊपर ये 2017 की बात कर रहा करूँ तो एवरेज मार्केट में सैलरी थी 20 टू 25,000 हमने फिक्स्ड बेस सैलरी दी 50,000 थाउजेंड टू एवरीबडी चाहे आप नए हैं या पुराने है। दूसरा चैलेंज होता था एम्प्लॉयज़ को खाने का बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड फूड एट नाइट वी गेव एवरीबडी लैविश फूड ऑन द हाउस एवरी थर्डली आई प्रोमिस्ड माई पीपल कि अगर आप कंपनी के साथ रहेंगे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तो और वो पाँच साल का पीरियड था तो यू विल बी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर द कंपनी मेक्स और अलहमदुल्लह हमने इस साल फेबुअरी के अंदर तकरीबन दस नए पार्टनर्स बनाए हैं कंपनी के जिनको हमने प्रॉफिट शेयर दिए है और जो मैनेजर्स जिनको हो गए हैं पाँच साल से ज़्यादा लीडर्स कोई भी जिसको पाँच साल से ज़्यादा हो गए हैं ही मेक्स अ प्रॉफिट शेयर इन द कंपनी बिकॉज आई बिलीव कि अगर एक बंदा आपको जिंदगी के पाँच साल दे रहा है वो एक बड़ा टाइम है ये हमज़ा जो है ये भी हमारी कंपनी के अंदर पार्टनर है और इन्हें तो तीन साल ही हुए थे लेकिन जहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिली कि किसी इंसान को आगे लाने की तो वी डिड दैट सो डिफरेंट ये था कि आर पुट द पीपल फर्स्ट एंड द मनी कम्स सो जो बाकी ट्रेडिशनल कॉल सेंटर्स टेली मार्केटिंग फर्म्स हैं दे जस्ट लाइक डोंट केयर अबाउट दे एम्प्लॉयज़ they do care about their employees to the point of taking care of them from a compensation standpoint but i believe taking care of somebody is beyond money it involves mentorship it involves giving them a reward for the time that they're putting in nobody cares you go to another job and that's it So i ask this question to people if you have given some place five years of your time and you're walking away with nothing बिकॉज जो आप पैसे कमा रहे हैं वो तो आपके मंथली एक्सपेंसिस में लग गए ना राइट यू नॉट लिविंग अवजली लैवेज लाइफ तो यू शुड हैव समथिंग दैट टेक्स केयर ऑफ यू लॉन्ग टर्म के यार इफ़ आई स्टे टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स आई शु देख आई एम द सी ई मेरी ड्राइव क्यों है बिकॉज आई एम दी ओनर आई गेट माई प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी तो मेरी ड्राइव होगी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज़ हु डोंट हैव स्टेक इन द कंपनी टू हैव द सेम ड्राइव इज़ यू और मैं मेरे मुताबिक सी ई ओज़ भी ये ट्रिक मिस करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग उसी तरीके से काम करें वही पैशन हो जो आपका है तो उनको भी उसी तरह का स्ट्रक्चर दें जिस तरह के स्ट्रक्चर में आप हैं इंटरेस्टिंग अभी राइट नाव यू हैव लाइक फोर ऑफिस दो बहरिया में हैं एक जो है आपका गुलबर्ग में है चौथा आप कौन सा बता रहे थे मरी uh, रोड पे और दो यू एस में सो टोटल सिक्स ऑफिस जो यू एस वे ऑफिसज़ हैं दे आर बेसिकली ग्रैबिंग द प्रोजेक्ट जो कि फिर पाकिस्तानी टीम्स को आउटसोर्स कर रही हैं और पाकिस्तानी जो ऑफिसज हैं जो बॉयज़ बैठे हुए हैं जो गर्ल्स बैठी हुई हैं वो सारा एग्जीक्यूट कर रही हैं हाउ डज़ इट वर्क हाउ ओके कीप दिस क्वेश्चन असर हाउ द हर आर की बिजनेस वर्क इन इन द कॉल सेंटर्स इन द टली मार्केटिंग फार्म या बी पी ओज जनरली बोलते हैं सो हाउ इज़ दर आर की लुक लाइक यार की बड़ी सिंपल है जिस तरह किसी भी बिज़नेस की होती है एक आपकी आप सेल्स जनरेट करते हैं कंपनी आपसे वो प्रोडक्ट बाई करती है हमारे जो यू एस ऑफिस हैं वो करते हैं कि बिज़नेस नहीं जनरेट करते बिज़नेस सारा कंपनी का मैं जनरेट करता हूँ दैट इज़ माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके अंदर मैं जो बिज़नेस जनरेट करता हूँ इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू क्लाइंट्स आई ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज दैट विल बिल्ड आर कंपनी इर रिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइंट्स तो जो हमारा यू एस ऑफिस है वो एक्चुअली ऑपरेशनल ऑफिस है जिसमें हमारे क्लोजर्स बैठते हैं मेडिकेयर के और फाइनल एक्सपेंस दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उनके और किसी भी बिज़नेस के लिए मैं एडवाइस देता हूँ कि कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा पीस ऑफ द प्रोसेस आप कर सकते हैं यू शुड डू इट जो आप बात कर रहे हैं कि बिज़नेस आप ख़ुद जनरेट करते हैं हाउ यू आर डूइंग दैट वी गो टू वेरियस एग्जीबिशन आई हैव अ वेरी स्ट्रांग सोशल मीडिया प्रेजेंस और मेरे लिए पाकिस्तान जो है आई एम एक्सट्रीमली आई एम एन एक्सट्रीमली प्राउड पाकिस्तानी तो मैं जितने भी एग्जिबिशन होते हैं जहाँ भी जाता हूँ पाकिस्तान का झंडा मेरा जो है ना उधर लगा होता है तो वो एक इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हमारी प्रेजेंस है बिकॉज वी पोट्रे अ फैंटेस्टिक इमेज ऑफ पाकिस्तान कि दिस इज़ हाउ वी टेक केयर ऑफ आर पीपल दिस इज़ वॉट वी डू फॉर आर पीपल तो कॉन्टेंट हम बहुत सारा लगाते हैं वीवर we द फर्स्ट कंपनी जिसने सोशल मीडिया के ऊपर एज अ टेली मार्केटिंग कंपनी प्रेजेंस शुरू की और उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा जनरल पॉपुलेशन की भी अंडरस्टैंडिंग के लिए और बाहर की पॉपुलेशन के लिए भी सर नॉर्मली किस किस्म का कॉन्टेंट आपका पब्लिश होता है थ्रू और सोशल्स दो किस्म के होते हैं एक इनहाउस in इंटरनल जिसमें लोगों की स्टोरीज होती हैं रिकगनीशन होती है लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है और दूसरा होता है मोर पर्सनलाइज जो मैं करता हूँ जिसके अंदर आए गिव आउट द मैसेज एंड आई टॉक टू आर पीपल और उनकी स्टोरीज शेयर करता हूँ और जिनको अब जैसे एक हमारे ड्राइवर हैं तकरीबन हमारे सात आठ साल हो गए थे तो उनको मैंने अभी गाड़ी दी तो वो बिकेम अवज थिंग बिकॉज और वो भी एक रिप्रजेंटेशन ऑफ आर कंपनी और हमारे सोसाइटी का था कि यार वी टेक केयर ऑफ़ आर पीपल और आई मैं किसी को आई फील कि लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज़ को अगर आपको ये समझ आ जाए कि किसी दूसरे के करने के लिए दूसरे से करने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है तो इंसान कुछ और चीज़ करे ही ना गिविंग बैक टू सोसाइटी गिविंग बैक टू अदर पीपल हेल्पिंग दैम ग्रो विदाउट वॉन्टिंग समथिंग ब्यूटिफुल पार्ट नेकी कर दरिया में डाल अगर आप कर रहे हैं किसी के लिए कुछ और वो भी आपके लिए कर रहा है दैट्स नॉट डूइंग समथिंग दैट्स बिजनेस या म्यूचुअल बेनिफिट यस बट इफ यू डूइंग समथिंग फॉर समबडी जिसका आपको पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलना दैट इज व्हाट आई इनकरेज पीपल टू डू व्हाट डू यू फील व्हेन यू हेल्प पीपल लाइक दैट व्हाट्स योर इनर फीलिंग्स जो फीलिंग में बयान नहीं कर सकता वर्ड्स में hmm. अभी मेरे कुछ ऑफिस के कॉलीग्स हैं जिनको मैं उमरे पर लेकर गया लास्ट मंथ और जब मैंने उनको बताया तो दे स्टार्टेड क्राइंग और वो ऑब्वियसली उनके लिए ड्रीम थी हर मुसलमान की ड्रीम होती है अल्लाह का घर जाना तो वेन एवर आई डू समथिंग लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह को थैंक करता हूँ कि यार तूने मुझे अल्लाह ताला करने दिया तैया क्योंकि मेरी तो इतनी थी नहीं हैसियत या पोजिशन की कर सकूँ लेकिन दैट फीलिंग ऑफ गिविंग यू कैन नॉट बाय विद एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड लाइक इट इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हाई आप किसी चीज़ से नहीं खरीद सकते यू आर सेम के आप एग्जिबिशंस पर जाते हैं जहाँ से आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैप करते हैं बिजनेस जनरेट करते हैं खुद अपने पी आर अपने मीडिया नॉर्म अमंग ऑल द बी पी ओज कॉल सेंटर्स दिस वे वी स्टार्ट इट एंड वी शोड द वे एंड आई इंकरेज अदर पीपल टू एंड देन पीपल वुड आस्क मी के यार हम भी कैसे कर सकते हैं तो हमने लोगों को बताया तो नाउ अदर पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दैट वेल इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान एंड द इंडस्ट्री तकरीबन 18 साल आप इस इंडस्ट्री में लगे आई जस्ट वन अंडरस्टैंड के जो एक बेस लाइन सैलरी होती है प्लस जो कमीशन होते हैं ये ये किस तरह वर्कआउट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सी एस आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की राइट आई पास द इंटरव्यू आई पास जो बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं आपकी कंपनी का हिस्सा बना ना और है और एक दो महीने में, में मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना ना आई स्टार्ट टॉकिंग टू दिस पीपल ऑन कॉल्स और मैं बिजनेस जनरेट करता हूँ बिजनेस क्या मैं लीड्स क्लोज करता हूँ जो कि एक क्लोजर टीम के पास जाती है तो वट शुड बी माई एक्सपेक्टेशन समबडी हुई इज़ ज्वाइनिंग एज अ सी एस आर लाइक वट आर द मार्केट नॉर्म्स डीज जो बेस लाइन सैलरीज का बता रहे हैं जो कि आपने फिफ्टी रखा था बता एट टाइम वो तकरीबन बीस पच्चीस थी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आज क्या नॉर्म्स हैं क्या पैकेजेज़ हैं फॉर सी एस आर टू कीप दैम मोटिवेटेड एंड टू द बेस्ट ऑफ देरिटीज एवरेज सैलरी पचास हज़ार है लोग इतने ही देते हैं थर्टी फाइव टू फिफ्टी मिल जाती है हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया था बिकॉज हम चाहते थे रैपिड ग्रोथ और वी वॉन्ट टू ब्रिंग इन पीपल जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है सिस्टम भी ऑपरेट नहीं करना आता हाँ uh -huh. और ऑब्वियसली अगर हम इतने बहुत सारे लोग ले आते तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम पिकी होते तो फिर हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे सकते थे तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर किया कि हमने उनको एक लिमिटेड बेस जिस पंद्रह एक हज़ार बेस दे दी लेकिन कमीशन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग कर दिया कि फर्स्ट सेल से ही वो अगर दो हज़ार बनाते हैं वो पहली ट्रांसफ़र के ऊपर तो अगर पहले महीने में उसने अगर दस भी कर ली या पंद्रह भी कर ली जो नया बच्चा कर लेता है तो ही वुड टेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एट होम स्पेशली फॉर पीपल वर्किंग एट होम बहुत बड़ी जो है ये एक समझने के अपॉर्चुनिटी थी लेकिन जो आपका पहला सवाल था ना कि कितना अर्सा इंसान करता है तो फिर क्या पैसे बनाता है अगर कोई काम है और आप उसमें यकीन रखते हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि अभी आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है मैं लोगों से कहता हूँ अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आपको फ्री में काम करना है तो फ्री में काम करें जो लर्निंग है उसकी कोई अमाउंट ऑफ वैल्यू या मनी नहीं पूरी कर सकता द लर्निंग दैट यू आर गेटिंग और हमारे पास इस तरह की इतनी स्टोरीज़ हैं हम, हम मेरा एक रेस्टोरेंट था बहरिया में हाउस रेट्रो के नाम से कोविड आया वो बंद हो गया मैंने कहा कि अब फ़ायदा नहीं चलाने का बंद कर दिया तो हमारे पास वेटर्स थे हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी कि यार आप लोग वर्क में वर्क में आ जाए उसमें उस उस से दो बंदों ने डिसाइड किया कि वो आएंगे तो अब उसमें से एक टीम लीडर है एक मैनेजर है जो मैनेजर है वो वन सेवेंटी फाइव बना रहे और उसकी उसके पास सेवेंटी फाइव लोग हैं और जो टीम लीडर है वो हंड्रेड बना रहा है और उसके पास 32 लोग हैं तो दैट इज़ लाइफ चेंजिंग एंड वी वर एबल टू डू देट बिकॉज हमारे पास ये स्ट्रक्चर था जिसके अंदर लोग आते हैं जिनको बोलना नहीं भी आता तो हम उनको अपर्चुनिटी देते हैं और सिखाते हैं यार वॉक में थ्रू एन एक्जाम्पल के कॉल आती है एंड फर्स्ट ऑफ आल जिस तरह आप बता रहे थे कि आपकी नीश जो है वो इंश्योरेंस है और मेरे ख्याल में फाइनल कॉल्स आप बता रहे थे वट इज़ फाइनल फाइनल फाइंडिंग फ्यूनरल एक्सपेंस है बाहर जब लोग मरते हैं तो आहा? अपने लिए वो चाहते हैं कि ख़ास किस्म से उनका कफन दफन हो और एक तरीका हो तो ये ये दो स्पेसिफिक निशीज़ आपने सलेक्ट की वॉक मी थ्रू एन एग्जांपल कि कॉल आती है मैं सी एस आर हूँ किस किस्म की कॉल आती है या किस किस्म की कॉल मुझे पिक करनी है मुझे किस तरीके से उसको क्लोज़ करना है उसके बाद क्या होगा क्लोजर वगैरह वॉक मे थ्रू द इंटायर प्रोसेस थ्री स्टेप प्रोसेस है हाँ हम डेटा ख़रीदते हैं कस्टमर्स का जिन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया होता है और कंपनी में यू एस में आप कौन सी कंपनी से ये डेटा ख़रीदते हैं डिफरेंट डेटा कंपनीज़ होती हैं जो जनरेट करती हैं जैसे आप वेबसाइट पर जाते हैं ना इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और नीचे चेक लगा होता है hmm. चेक करो और पार्टनर तुम्हें आउट करेंगे तो उन कंपनी से ओके okay. वो डेटा हमारे पास आता है हम उसको अपने डायलर पे लोड करते हैं वो डेटा ऑलरेडी सेग्रीगेटेड होता है ऑलरेडी टारगेटेड होता है उस पर्टिकुलर डोमेन उस पर्टिकुलर नीच में उसका इंटरेस्ट होता है तो दैट इज़ लाइक लाइट इंटरेस्ट लाइट इंटरेस्ट लाइट इंटरेस्ट प्लस एज ब्रैकेट वो होता है जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं वो पचास साल से ऊपर की उम्र सही है जारी बात है वो तभी इंटरेस्ट लेंगे ना पचास के बाद जब exactly. एग्जैक्ट हाँ। कम उम्र रह गई है तो वो डेटा हम डायलर पे लोड करते हैं उसके बाद हमारा डायलर इज वॉइस और आईपी सर्विस ओके और वो एक दिन में एक इंसान एक बंदा तकरीबन आठ सौ कॉल्स लेता है नाइन आवर सो इट्स लिटरली लाइक अस्सी नब्बेली पॉसिबल यस सो मेजॉरिटी जो उसमें से कॉल्स होती हैं इधर देयर एंसरिंग मशीन ये कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है तो उनका टॉक टाइम इन सिग्नीफिकेंट होता है सही है एक्सपेक्टेशन <laughs> होती है कि बंदा दिन में तीन ट्रांसफर्स आगे भेजे जो सॉलिड हों जो कन्वर्ट हो जाए एंड वो तीन हो जाती हैं तो जो तीन करता है उसको मिलता है पैंतालीस सौ रुपया पर डे मतलब कि पर लीड का समझ लो पंद्रह पंद्रह सौ इज लाइक फिक्स या ये विद पैसेज ऑफ टाइम बदलते रहता है डॉलर रेट सो बेसिकली जब पहले हमने दो हज़ार बीस में कमीशन मॉडल स्टार्ट किया था तब हम पाँच सौ देते दे थे फिर जब डॉलर रेट इंक्रीज़ किया तो हमने उसको तो अब हमने रिसेंटली अभी पिछले महीने उसको फिर इंक्रीज़ किया प्लस इसके साथ हम देते हैं एक तो फोर्टी फाइव हंड्रेड पर डे बना सकता है वो अगर ज़्यादा करता है तो अगेन 1500 अगर फॉर एग्जांपल वो छः कर लेता है तो इट कम्स आउट टू वी लाइक 9000 उससे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जब आप वो हायर करते हैं तो हाँ। उसका पे आउट पर लीड भी हायर हो जाता है तो वो टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पर चला जाता है ओह सो द मोर यू क्लोज द मोर यू अर्न एंड द कमीशन पर क्लोजर इज़ हायर इज़ हायर और प्लस हम इनको देते हैं एक पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन का बहुत बड़ा मसला है हाँ तो हमने कंपनी जब सेटअप की कुछ रूल्स रखे कि जो भी हो टाइम पर आना है ठीक है तो अटेंडेंस की एक बोनस है टाइम पे आने का एक बोनस है तो दस हजार रुपया है सिर्फ आपकी सेल्स पूरे महीने कोई ना भी हो तो टेन थाउजेंड आपको मिलता है सिर्फ कमिंग ऑन टाइम और अटेंडेंस का कि एक डिसिप्लिन आप में बने कि आप रोजाना आए काम पर एंड वॉक मी थ्रू द स्क्रिप्ट जब ये आठ सौ आठ बंदे का डेटा डायलर पर जाता है और देन यू आर मेकिंग दिस कॉल सो व्हाट यू आर बेसिकली टॉकिंग टू देम इन केस ऑफ लाइक This funeral thing, right? Pitch karte bhai, there's a great new plan that has been introduced in your area, and we found out that you have interest in it. We have packages that are ranging from less than dollar a day. So, would you be interested in looking at one of our packages? If yes, we will a And this lead close. Yeh, ek lead gen. Ho gaya. Ek lead generation. Yes, so फॉर एग्जाम्पल जिसमें जिस तरह आपने कहा ना कि इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्होंने डायल मशीन पे या वॉइस मैसेंजर पर लगाया था जिस जिससे आपकी बात नहीं machine. हो रही है आंसरिंग मशीन एनी आइडिया की आठ सौ बंदा में ऑन एवरेज बाई सींग दिसम फॉर मैनीयर्स राइड क्या कन्वर्जन रेट है कि 800 में कितना बंदा जो है वो आंसरिंग मशीन पे चला जाता है लाइव आई एम श्योर यू मस्ट हैव डेटा ऑन इट ऑफ कोर्स सो वी आर वेरी बिग कंपनी ऑन डेटा मैं बिलीव करता हूँ कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ होती है अगर आपके पास डेटा है hmm. और डेटा को अगर आप मेजर कर रहे हैं और आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं तो वी हैव बेस्ड आर होल कंपनी अराउंड एनालिटिक्स दैट इज़ वॉट हैज हेल्प अस ग्रो सो क्विकली थर्टी परसेंट कनेक्टेड होता है थर्टी परसेंट ऑफ़ द पीपल यू टॉक टू थर्टी थर्टी फाइव परसेंट एंसरिंग मशीन होती हैं और बाकी डेड फोन नंबर और प्री हैंग अप जिसको कहते हैं जो कॉल डिस्कनेक्ट होगी मिलते साथ वो होती है आई हेवर सम हॉर स्टोरीज आई डोंट नो whether they are true. आई विल नॉट नेम द कंपनी कि ये कौन सी कंपनी में ये होता है बट द टारगेट्स आर सो हाई जैसा आपने कहा ना कि आठ सौ कॉल्स होती हैं राइट तो दे वु इवन लेट यू गो टू अटेंड वॉशरूम लाइक आपको अपना टारगेट पूरा करना होता है रिगार्डलेस आप बोतल में मोद दो या क्या करो <laughs> भाई आप नहीं जा सकते and, and the second thing is आपको परमिशन लेनी पड़ती है जस्ट टू लाइक अटेंड दॉशरूम इज इट अर किसी ने मुझे बतायादर ही रियालिटी होता है एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई इज इट कॉमन अमंग द इंडस्ट्री बाथरूम तक तो एग्जाजरेगी लेकिन ऑब्वियसली uh, कंपनीज़ uh, और एक बिजनेस है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करनी है तो वो लोगों को पुश करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को सैलरी पर रखा होता है और हमने ये मॉडल को अपसाइड डाउन कर दिया हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे पर डालो इससे वो ख़ुद मेचोर होगा वो ख़ुद ग्रो करेगा उसको पता है कि उसने कितना टाइम लगाना है कितनी छुट्टियाँ करनी है बिकॉज़ उसने अल्टीमेटली अपना घर चलाना है तो इससे उसको रिवॉर्ड ज़्यादा दो उसकी हंगर भी ज़्यादा होगी बिकॉज़ ही नो उसके इफ़ ही इज़ सक्सेसफुल इज़ वन ही विल मेक मनी तो जो बेसिक सैलरी है उससे उठा के जो हमने कमीशन शेयर मॉडल कर दिया उससे ये माइंड सेट में बहुत बड़ा चेंज आया लोग और पूरी दुनिया में जो सेल्स हैं ना वो कमीशन के ऊपर होती है कमीशन बहुत ज़बरदस्त होता है नो no डाउट तो हमने उस मॉडल को फॉलो करते हुए कि यार कमीशन ज़बरदस्त रखो लेकिन ये माइंड सेट को चेंज करो कि वी शुड नाट बी पेरेंटिंग द किड्ड इम्प्लॉय या हाँ तो मतलब कि ये शायद कुछ कंपनीज में होता हो जो छोटी मोटी हो लेकिन जो जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पाँच दस बड़ी कॉल सेंटर कंपनीज़ हैं उसमें उस थोड़े से नॉम्स डिफरेंट है ऑफ कोर्स और जैसे हम अपनी कंपनी में वी रियली टेक केयर ऑफ आर पीपल और हमारी ओपन डोर पॉलिसी है कोई बंदा किसी को तंग नहीं कर सकता कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता कोई सिस्टम्स ऐसे बनाए हुए हैं कि किसी का एक रुपया जो कहीं नहीं जा सकता सब बड़ी बात यह कि आठ सौ लोग हैं हमारे पास आठ सौ से ऊपर हैं सॉरी तो नौ हज़ार लोग हैं हमारे पास तो एवरी सिंगल पर्सन हैज़ एक्सेस टू मी एज द सी ई वो मुझे ई मेल कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं और मैं हर बंदे को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ लेकिन हाउ यू कीप लाइक मोटिवेटिंग पीपल इंस्पायरिंग दैम जब रोजाना उनको इतनी कॉल्स करनी होती है लाइक like, सही है एक हफ़्ता समझ में आता है दो हफ्ता भी आता है तीन हफ्ता भी, भी आता है चार पाँच छः at the end of the day, like you're so bored with this thing, office the only thing that you do is pick up your phone, 30% ni lagra, 30% lagra, or hmm. you're repeating the, basically the same script over again and again and again. at the end of the day, you are going to get the hell bored out of it. Like, नहीं नहीं नहीं। so in, in, in such case, how you keep them motivating and how you keep them on improving themselves? what is the alternative? हाँ देट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन आई हैव सीन पीपल लाइक एब्रॉड हु आर मेकिंग गुड मनी बट वो अपनी रूटीन से इतने तंग आ चुके हैं नाउ दे आर मेकिंग मनी बट दे आर सी यार ये क्या जिंदगी है यार इधर एडवांटेज ये है कि वी हैव अ जॉइंट फैमिली सिस्टम हाँ सो so, जो बच्चा आता है काम करता है तो वो जो ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट लेके आते हैं अपनी फैमिली की और जिसको सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांगर होता है तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है आपको एक साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ

तो उनकी बहन ने उनको बोला कि यार ये अली जंजो आए इनकी कंपनी है, है जॉब्स देती है तो अप्लाई करो शी अप्लाइड स्टार्टेड वर्किंग विद अस 2020 की बात है मार्च की शी वाज वर्किंग विद अस रिमोटली एक साल इन्होंने हमारे साथ काम किया घर से और शी स्टार्टेड मेकिंग फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ अ मंथ वर्किंग फ्रॉम होम एंड ऑब्वियसली दस हज़ार बना रही थी पहले साठ पे चलेगी अल्हमल बेहतरी आई देन वी प्रमोटेड हर टू अ टीम लीड वर्किंग फ्रॉम होम तो उन्हें एक टीम दी अब हमारी उसके बाद दोबारा वो वह है अब वो ट्रेनिंग मैनेजर हैं हमारी ट्रेनिंग चलाती लेकिन मज़ेदार बात ये नहीं शी हैज़ थ्री सिबलिंग्स जो इनसे छोटे थे तो जब उन्होंने काम सीखा तो उन्हें कहा मैं अपने बहन भाइयों को भी सिखाऊंगी तो उनका एक भाई और दो बहनें वो भी अब हमारे पास काम करें चारों तो माशाल्लाह जो उनकी दूसरी बहन है जिसने हमारे साथ स्टार्ट किया हरने में सादिया, शी नाउ मेक्स टू हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ अ मंथ जो वो खुद थी, वो तकरीबन अस्सी हज़ार बनाती हैं उनका भाई है वो हंड्रेड थाउजेंड बनाता है और उनकी एक और बहन है वो तकरीबन फिफ्टी सिक्सटी बनाती सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन पर्सन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इन ए रिमोट एरिया तो दैट चेंज नॉट ओनली देयर लाइफ बट डेट ऑफ देयर होल फैमिली देन शी केम टू मीट मी शी सेट उस ये दिस बिफ, इज़ बिफोर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्किंग वर वर फॉर अस तो उन्होंने कहा कि अली भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैमिली को इस्लाम आबाद या पिंडी बेसिकली मूव कर लूँ गुजरात से तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जो है ना अडिशनल पैसों की ज़रूरत होगी वी टुक केयर आर देट लेकिन विद इन थ्री ईयर्स देयर होल फैमिली ट्रांसफॉर्म्ड इन टू हैविंग नथिंग टू वेयर अल्लाह सुबाना तला इज़ गिविंग दम ग्रेट इनकम ग्रेट मेट्रॉशिप ग्रेट इन्वायरमेंट एंड रिस्पेक्ट अच्छा चलो सही है हम मान लेते हैं कि यार ज़िंदगी बदल जाएगी चलो ये ये खुआारी जो है थोड़ा अरसा कर लेंगे बट एक इंडिविजुअल uh, एक एम्प्लॉय जब जॉइन करता है सी एस आर से आपने भी आपने भी अठारह साल काम किया वेन यू बिकम लाइक को ओनर इट टुक लाइक एटीन ईयर्स टू गेट there राइट right? तो टेल मी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप भी सी एस आर गए आपने भी ये कॉल्स ली होंगी एक अरसे तक ली होंगी देन आपकी मेहनत को और आपकी क्लोजिंग को और कन्वर्जन को देखते हुए आपको प्रोमोट किया गया होगा राइट सो वॉक मी थ्रू कि सी एस आर के बाद की जर्नी क्या होती है मतलब कि तीन महीने की ख्वारी होती है साल की ख्वारी होती है दो साल की ख्वारी होती है होता क्या है ऐट द एंड ऑफ द डे अगर कोई बंदा अगेन कमिटेड है ही इज़ कमिटेड टू दिस करियर ही वॉन्ट्स टू चेंज इज लाइफ देर इज हंगर इन हेम सो टेल मी दरियर प्रोजेक्ट्री फॉर

डे इज गम दू गंग मोर देन वॉट यू डू एंड दैट इज़ एक्जैक्टली वॉट हैपन विद मी तो पहले आप मैनेजर बनते हैं सॉरी एजेंट से आप टीम लीड की आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है ओके okay. टीम लीड में दस बारह हो, हो uh, जितने भी हो डिपेंड अपॉन हाउ द बिग द कंपनी इज उनको मैनेज कर रहे हो कि दे आर डूइंग देयर वर्क वो कॉल्स टाइम पे ले रहे हैं वो कोई अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए यू आर हेल्पिंग दैम आउट इफ दे नीड हेल्प विद एनी यू आर बेसिकली मॉनिटरिंग यूर टीम एंड नॉर्मलीस टीम ट्वेंटी Maximum, mm -hmm. this is the norm in your company or yeah. generally across the board? It's been uh, bigger as well. We uh -huh. used to at one point have 35, like in, we've now reduced that to 25. Or oh, the team lead responsibilities to just look after these 25 people. Train them, make them successful, mentor them, handle their issues, push them because humans learn from other humans. So when they see people who were once like them and they moved up, they want to be like them. सो दे आर देर लीडर्स एंड देट इज़ वॉट क्रिएट्स ग्रोथ दैन द टीम लीड गेट्स दी ऑपरचुनिटी टू बिकम मैनेजर और सी एस आर से अगर आपने ये टीम लीड बनना है तो ये तकरीबन कितने अर्से की मेहनत के बाद एनी आई डी या हमारी कंपनी में देर इज़ नो टाइम फ्रेम यू कैन गेट दैट ऑपरचुनिटी इन वन मंथ

फास्ट uh, पेस किया बट देन जो और लोग होते हैं जो देखते हैं यार ये तो पिछले महीने आया था यार ये जो टीम लीड बन गए डोंट यू फील लाइक उनके लिए थोड़ा डिस्करेजिंग होते हैं और हम तो इस कंपनी में जो है लेट्स से छः महीने से कर रहे हैं ये साहब hmm. जो है पिछले महीने आया देखिए टीम लीड बन गए हाउ हाउ यू कंट्रोल दैट टॉक्सिसिटी वन आई टॉक टू माई पीपल अलॉट आई हैव अट ऑफ मोटिवेशनल एंड मेनटोरिंग सेशन एंड आई टॉक टू दैम जस्ट टू गिव दम एक्सपोजर अबाउट लाइफ रियालिटी ऑफ लाइफ लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है और जो बंदा वहाँ पहले से था और उसने उसको कैप्चर करने के लिए नहीं आगे बढ़ा तो दूसरे किसी ने वो पकड़ लेनी है और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इफ यू वांट समथिंग इफ़ यू पुट इन दैट एफर्ट यू विल हैव इट ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं तो उन लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ कि ज इट मीट इज नॉट गेटिंग नॉर्मली फिर आप टीम लीड बन जाते हो फिर आप पीपल को जो है एमपावर करते हो वॉट स्टेप मैनेजर मैनेजर बन जाते हो नॉर्मली एक मैनेजर के अंडर कितने टीम लीड्स होते हैं थ्री मैक्सिमम थ्री राइट तो एक किस्म से आप मैनेजर जो है तीन टीम लीड्स के ऊपर होता है हर एक के नीचे जो है पच्चीस एम्प्लॉइज होते हैं अ टोटल ऑफ सेवेंटी फाइव पीपल इज अंडर वन मैनेजर सो द ऑफ नॉर्मली अ मैनेजर सो मैनेजर सो टीम लीड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग पीपल अ मैनेजर इज गन हेल्प मैनेज हिज टीम लीड सो हिज जॉब इज टू मैनेज स्टिस्टिकली लुक एट रिपोर्ट्स लुक एट परफॉर्मेंस लुक एट डेटा गिव गाइडलाइंस टू हिज टीम लीड्स एग्जैक्टली

Okay. So what's what's the responsibility with the director? So director is directly sharing profits in the company. His responsibility is to ensure that the business is growing. So mm -hmm. director Jo hota responsibility the growth of business. And he has to find ways to grow the business, whether it's new recruitment, finding ways to look at analytical data, existing people, is और ये जो टीम लीड से मैनेजर तक का सफ़र था लाइक कितना टाइम में एक टैलेंटेड एक कमिटेड बंदा पहुंच जाता है एक साल साल इट्स क्विक राइट मज़ेदार बात है कि हमारी इंडस्ट्री में रिजल्ट्स बहुत क्विक हैं बिकॉज हमारे बिजनेस की ग्रोथ लिमिटेड नहीं है इट्स नॉट डिफाइंड और कंट्रोल्ड बाई एनी बडी एल्स इट इज़ प्योरली कंट्रोल्ड बाई योर हंगर टू सक्सीड सो इफ यू इफ आई एम डूइंग माई जॉब माई पीपल विल हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्टर के लिए डू यू फील लाइक के अगेन कोई क्राइटेरिया नहीं है स्पेसिफिक फ्राम मैनेजर्स टू डायरेक्टर कि अगर उसको उस लेवल तक जम्प करना है ही हैज़ टू शो एट लीस्ट सम के पी आई यस ऑफकोर्स लेकिन जो डायरेक्टर का बिगेस्ट चीज़ है ना कि हाउ इज हिज अबिलिटी टू लुक अराउंड द कॉर्नर के आने वाली चीज़ों को वो कैसे प्रडिक्ट करता है बिकॉज बिजनेस चेंज होता है हर रोज़ तो यू कैंट स्पी सिटिंग वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन

कोर टीम जो है जो बिल्ड करती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सो हाउ बिग इज़ दैट कोर टीम विद सेवन पीपल इन दैट टीम तो वो डायरेक्टर से ऊपर होते हैं mm -hmm. और नॉर्मली उसमें क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो या क्या वट वट इज़ द डेजिगनेशन लाइक पीपल इन दैट ग्रुप वी हैं उसके अंदर एक जनरल मैनेजर है एक एग्जेक्टिव वाइस प्रेजिडेंट है एक सी है इस तरह तो बेसिकली so, वो तो स्ट्रेटजी बनाते हैं ओवरऑल बिजनेस के लिए आपके केस में बिजनेस आप लेकर आते हो जब आप बाहर एग्जिबिशन पे जाते वो हो वो भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन मैं अगर कोई जनरेट करता हूँ तो क्लोज और एक्सिक्यूशन उसकी वो करती सो hmm. so, और ये सारा स्ट्रक्चर हमने खुद क्रिएट किया बेसिकली 2017 में वी स्टार्टेड विद एट पीपल तो वेन वी स्टार्टेड मैंने स्ट्रक्चर कंपनी का बहुत सॉलिड बनाया था कि हम ग्रो जो है अच्छा कर सकें वरना हमारी ग्रोथ लिमिटेड होती है अगर स्ट्रक्चर अच्छा ना होता हमने जब स्टार्ट किया था आठ एम्प्लॉज थे और छः सात जो है सीनियर लीडर्स थे तो लोग हंसते थे कि आठ बंदों पे सात लीडर्स लेकिन मकसद था कि बुर्ज खलीफा खड़ा करें वो बंदे अभी भी आपके पास हैं या वो पार्ट ऑफ द टीम ये नाइस 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 अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं ना कि ये तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ये बातें हो गई कि ये कॉल सेंटर का बिजनेस की हरार क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं किसकी क्या डोमेन है कौन ऊपर है कौन को टीम है कौन जो है वो पार्टनर बनता है वगैरह वगैरह बट इन नट शेल आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो जो पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स हैं उनकी स्पेशलिटी सेल्स हैं वी आर गुड एट क्लोजिंग थिंग्स वी आर गुड एट मार्केटिंग थिंग्स राइट जबकि अगर आप कंपेरिजन में इंडिया को रखो फिलिपीन को रखो दे आर गुड एट लाइक इन बाउंड सर्विस लाइक कस्टमर सपोर्ट सर्विसज राइट जहाँ पर आपको कस्टमर का कोई इशू सॉट आउट करना है दे आर ऑलरेडी अ कस्टमर वाई हेर यू आर मेकिंग अ कस्टमर लाइक आपको क्या लगता है ऐसा हमारे डी एन ए में क्या है जिसकी वजह से और कॉल सेंटर्स आर फेमस फॉर सेल्स एंड हमें इंडिया की तरह इन बाउंड वाले प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मिलते पाकिस्तानी अग्रेसिव है इंडियन में सेम ट्रेड्स मेरी जितनी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा क्वाइट और ज्यादा काम है हमसे सो दैट इज़ द बिग डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हमारे बंदे अग्रेसिव हैं जनरेशन जो काम करी वो यंगर है और हमारी कम्युनिकेशन के उनसे बेहतर हैं जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी है हमारा एक्सेंट काफ़ी न्यूट्रल है वर्सेज इंडियंस तो दैट वीली हेल्प्स इन आर इंडस्ट्री बट अगर आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखो तो उनकी इंग्लिश बड़ी छोटी उम्र से ही वो उस पर अबूर हासिल कर लेते लेकिन एक्सेंट हो नहीं होता तो द एक्सेंट इसके वो इंडियन तरीके से जब आप बोलते हो डज एक्सेंट प्ले रोल हैंग अप पड़ जाता है अच्छा इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट कस्टमर के जब उससे उसी के एक्सेंट में बात ना की जाएंगी so like ah, उसको वो अपनाइत नहीं लगती है mm -hmm. उस आवाज़ में कि यार ये तो कोई पर आया कोई ओवरसीज कोई बाहर इंडिया में बैठा हुआ है शायद स्कैम करने कोशिश कर रहे हैंचुनिटी अराउंड यू बट इट्स फिश पाकिस्तान ही बड़ा न्यूटलाइज कर जाते हैं इस चीज़ को इज़ yep. इट लेकिन अगर आप देखें अपना एजुकेशन सिस्टम में भी तो हमारी इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया जा अगेन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स इज़ वन थिंग बट ट्रेडिशनल स्कूल मॉडल को देख लो कॉलेज मॉडल को देख लो जिस तरह मैंने अली हम इंग्लिश मॉडल तो हैं लेकिन बात वही अपनी मादरी जबान में कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ हो टीचर्स के साथ हो सो so, किस तरह आपको लगता है कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एक्सेंट है या उनकी तरह का एक्सेंट डिवेलप करना है हम उसमें मतलब सक्सेसफुल हो पाते हैं मे बी वी आर नैचुर गिफ्टिड कि हम जो एक्सेंट हमारा वो न्यूट्रल रहता है वो बहुत देसी साउंड नहीं करता और उस वजह से हमें वो एडवांटेज हो जाता है बिकॉज अमेरिका इज़ ए इमिग्रेंट पॉपुलेशन तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उनको यही लगता है कि वन ऑफ देम इज़ कॉलिंग देम वर्सेस जब एक स्ट्रिक्टली इंडियन एक्सेंट कॉल्स को करता है तो उसको ठक प्लस कैम्प भी बहुत होते हैं इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स के और इस तरह की चीज़ों के तो लोग डरते भी हैं पाकिस्तान में ओवरऑल कौन सी नेशेज हैं जिसमें कॉल सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं वी आर फेमस फॉर इट जिस तरह आप फ्यूनर सर्विसज हो गई इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई वॉट आर समर कैटेगरीज मेडिकेयर मेडिकेयर वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर है यूएस हाँ, की वो सोलर होम सिक्योरिटी ये चार पांच जो हैं बिगेस्ट पाकिस्तान की बट देर आर सो मेनी लाइक कॉल सेंटर्स आउट मेरी अगर पाकिस्तानी जो है इन चार में स्पेशलाइज करते हैं तो फिर तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी होता होगा अमंग ऑल लेकिन इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हैं जब जैसे मेडिकेयर है गवर्नमेंट प्रोग्राम है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसका बजट है फाइनल एक्सपेंस एवरी डे टेन थाउजेंड अमेरिकन फाइव हाँ सोलर यू एस इज गोइंग ग्रीन अगले दस साल में उन्होंने जबरदस्त प्लान बनाए सो ये ये पाँच चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है सो आर यू आल्सो प्लानिंग टू एक्सपेन इन टू अदर निशेज एज वेल या आपकी स्टार्ट से यही हैं और यू कैन स्टिल वर्क इन द करेंट नशेज आई ऑपरेट डिफरेंटली हाँ मोस्ट अदर कॉल सेंटर्स हैव टेन फिफ्टीन प्रोग्राम्स डिफरेंट जो चला रहे होते हैं क्योंकि खाली ये वर्टिकल्स नहीं है ये तो सब बड़े वर्टिकल्स हैं बाकी छोटे और सारे वर्टिकल्स हैं ऑटो इंश्योरेंस है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है क्रेडिट रिपेयर है बहुत सारे मैं बिलीव करता हूँ कि यू शुड पिक वर्टिकल a product whatever it is and become the best at it hmm. and when you become the best at something you can create more profits because your whole company is focused on that one product not you're not divided trying to be good at so rather than be average at 10 things i like being great at one thing which is why we stick to this the second thing and this is for all the call centers out there hamari jopuri success hai, has only been created because of the way we treat our people. And if you are a small business and if you treat your people right, people will walk on fire for you. And I have had this when I started the company. For 18 months, well, we weren't making profit for three years. Looking for 18 months, we were not in a position to pay anything to our senior leadership team. Free me kabi kaam karta. लेकिन अगर आपने लोगों को सही ट्रीट किया हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं और वो उन्होंने किया और अब दे रीपिंग द रिवॉर्ड्स फॉर इट लेकिन एनी स्मॉल बिजनेस वेदर यू आर इन पाकिस्तान और एनी वेर एल्स इन द वर्ल्ड इफ़ यू ट्रीट योर पीपल द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीट हमारा दीन भी यही कहता है यू विल बी सक्सेसफुल बिफोर रपिंग दिस अप, आ, आपका वो प्रोग्राम जो आप मुझे अर्ली बता रहे थे कि शायद लोग समझते हैं कि आपकी इंग्लिश बोड़ी अच्छी होनी चाहिए तब आप आ सकते हो बिकॉज आपको गोरों से बात करनी होती है टेल मी अबाउट दैट प्रोग्राम जो आप अभी और मुझे बता रहे थे कि जिसमें बहुत सारे लोग रूरल एरिया से देहाती इलाकों से काम करते हैं और देन आपने बताया कि यार आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए यू जस्ट नो हाउ टू प्रेस सर्टन बटनज एंड एवरी इज़ लाइक प्रोग्रामड ऑलरेडी अगर वो ये बात कर रहा है तो आप दबा दो दो तो उसको उसका रिस्पॉन्ड मिल जाता है हाउ आर डूइंग दैट इज़ इट लाइक ए आई यू आर यूजिंग ए आई इट इज़ प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस वहाँ पर क्या हो रहा है प्री रिकॉर्डेड मैसेज है और okay. उसका मकसद था कि हम चाहते थे जॉब क्रिएशन पे फोकस करना नॉट किसी और कंपनी के बंदे हायर करें हाँ तो ऑब्वियसली चैलेंज है कम्युनिकेशन का और सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं सिटीज़ के अंदर भी तो हम चाहते थे कि हम बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दें जिनके कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन हम उनको सिखा सकें और फीमेल्स भी बहुत सारी तो हमने एक सिस्टम बनाया इट्स कॉल्ड द साउंड बोर्ड जिस साउंड बोर्ड के अंदर जो हमारा सेल्स का बंदा पिच करता है वही पिच पूरी उसमें रिकॉर्डेड है और बटन्स डिफाइंड है आपने बटन दबाना है सिस्टम आपके लिए उसका जवाब दे देगा दो से तीन मिनट की आप कॉल करते हैं और वो कॉल आप आगे भेज देते हैं एंड दैट हैज्प लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर लाइफ और ये जो है सिर्फ रिमोट वर्किंग के लिए या एनी बडी या ना वट इज यूर यूजिंग इट इन साइड यूर ऑफिस एज वेल इन साइड हाँ लेकिन इन साइड ऑफिस मोस्टली वॉइस एजेंट्स हैं लेकिन उधर भी अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास हाँ तो जब जो आप बात कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा कॉल्स लेनी थी इवन इफ आठ सौ बंदों का तीस परसेंट इट स्टिल

What do you mean by जो साउंड बोर्ड यूज कर जो वॉइस एजेंट है हाँ वो सिर्फ वॉइस पे होता है जो साउंड बोर्ड एजेंट है वो सिर्फ साउंड बोर्ड पे होता है ओ oh, तो ये नहीं कोई हाइब्रिड नहीं है कि अगर मैं कॉल ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए नहीं है वो सिर्फ उस बंदे के लिए जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली mm -hmm. वो साउंड बोर्ड यूज़ करेगा थ्रू आउट ओ नाइस थैंक यू वेरी मच अली फॉर योर टाइम आई थिंक यू आर ऑलरेडी पास लाइक वन आवर टू बी फ्रेंकली अबाउट दिस इंडस्ट्री और मैं खुद जरा एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि यार क्या होता है हाओ लाइक like, अगर मेरे सवाल हैं और, और भी लोगों के होंगे और भी बहुत सारे लोगों के होंगे so, it was very helpful. तो इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल और काफ़ी मिथ्स थी जो कि आज बर्स्ट हुई इट वॉज प्लेज टॉक टू यू एनसन सीर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया जो लोग आपकी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएँ आपको मज़ीद फॉलो करने के लिए या आपसे राबता करने के लिए या मे बी वर्किंग एट वर्क एज वेल सो वो हमारी looking... हमारी टैग लाइन है चैम्पियंज एट वर्क चैम्पियंज़ एट वर्क जरा तो बिफोर दैट थैंक यू फॉर हैविंग मी और आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछे बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसको देख के उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग yes. मिलेगी और जो सब काम करना चाहते हैं वर्क फ्राम होम हमारे पास है पार्ट टाइम हमारे पास है फुल टाइम हमारे पास है फीमेल्स के लिए तो बहुत बड़ी अपर्चुनिटी है वर्किंग फ्रॉम होम और जो मैं मैसेज सबको देता हूँ कि हमारा काम है अपॉर्चुनिटी देना उनका काम है उस ऑपरचुनिटी का फ़ायदा उठाना yes. और मुझे भी एक अपरचुनिटी मिली थी मैंने जब ख़ुद जिंदगी स्टार्ट की एंड अलहमदुल्ला अब हम दूसरों के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं सो so जो भी अप्लाई करना चाहते हैं दे गो टू आर वेबसाइट इट्स डब्ल्यू 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 फॉर वर्क डॉट कॉम मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अली जंजुआ ऑफिशियल और यूट्यूब पे भी अली जंजुआ ऑफिशियल है फेसबुक के ऊपर भी अली जंजुआ ऑफिशियल है और हम बहुत सारा कंटेंट पुट आउट करते हैं सो पीपल कैन फॉलो अस ओवर देयर और जॉब्स के लिए भी दे कैन लुक एट व्हाट वी पोस्ट लेकिन जो मैसेज मैं देना चाहूँगा ना लोगों को कि वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट रिक्वायर सेक्रिफाइस ड्रीम्स रिक्वायर सैक्रीफाइस मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था पैदल था पैसे भी नहीं थे दो साल पहले मैंने बी एम डब्ल्यू मंगाई आई Roadster, पाकिस्तान की पहली गाड़ियों में से थी तो मैं पाक पीस का एक शो हो रहा था तो वहाँ पर मैं उसको लेकर गया उन्होंने इन्वाइट किया था तो जितने भी लोग आ रहे थे ना उनको मैं बैठने दे रहा था तस्वीरें खिंचाने दे रहा था तो और भी लोगों ने गाड़ियाँ लगाई थी वो लोगों को करीब नहीं आने दे रहे थे तो लोग इस बात से बड़े फैसनेट हुए न्यूज़ चैनल्स भी आए हुए थे वो भी कवरेज कर रहे थे तो फिर बाद में मेरे पास आ गए इंटरव्यूज़ करने के लिए तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पैदल से आईट तक की स्टोरी जो है वो बताएं तो उस स्टोरी का हमने थोड़ा सा टच किया आज जो हमने थोड़ी बहुत बातें की हैं वो एक बड़ी Lambi or Zawada story, maybe sometime else we'll talk about it. Lekin, during that whole journey, I have looked at that if you are prepared to give it your all, if you are prepared to sacrifice, if you are mentally prepared that no matter what comes your way, you will not give up, you can do whatever you want in your life. And this is another way of thanking Allah subhanahu wa ta'ala that. एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड उनके पास चौबीस घंटे ही हैं यू मी और ईलो मस्क ऑल हैव ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे इट कम्स डाउन टू वॉट यू डू व ट्वेंटी फोर आवर्स ईदर यू कैन सेट इन क्राई अबाउट इट और यू कैन डू समथिंग अबाउट योर लाइफ एंड दैट इज गोइंग टू डिटर्मिन कि आपकी जिंदगी किस तरह की होगी आप किस तरह की जिंदगी जीते एंड अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए सेट अ हाई स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ स्पेशली जो मर्द हैं मैन मैन यूज़ टू गो ऑन वॉर्स नाउ मैन सिट इन कराए कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है तो मुझे वो बात समझ नहीं आती कि एक तरफ मर्द वो थे जो जंगों पर जाते थे और हमारे मर्द घर बैठ के कह रहे हैं कि यार मुश्किल हालात हैं यस्ट लाइफ इज़ टफ बट इट इज़ वट यू डू अबाउट इट डेट मैटर्स सर्कमस्टांसिस डिफाइन करते हैं that is when it becomes solid same goes for us so if you or anybody is going through difficulty in their life they should know that difficulty only comes in your life to take you higher and nothing else and in closing i want to thank allah subhanahu wa ta'ala for giving me what he has the opportunity hai and we are trying to change people's lives and their mindset that don't be weak be strong don't let other people define who you are going to be listen to your heart believe in yourself and you can do it uh, thank you ali very much for your time or uh, sacrifices, sakhlonde bane is <laughs> all economic अली भाई का सोशल और इनकी कंपनी की वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इफ़ यू फील लाइक अगर आपको समझ में आता है दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू यू वांट टू ट्राई यू वांट टू गिव इट अ ट्राई ऐसा ना हो कि आप अली भाई को वट्स इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेज करना शुरू कर दे नौकरी दे दें नौकरी दे दें मैं लेकिन जवाब देता हूँ सबका आप हाँ, जवाब देते हैं <laughs> लेकिन आप जाएं वेबसाइट पर करियर्स का ऑप्शन भी होगा आई एम श्योर वो चेक करें सी इफ इफ दैट इज समथिंग दैट फैसिनेट्स यू आपको मज़ा आता है अगेन लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन आपको कोई चीज मजे की लगी हो बुरी लगी हो जैसी भी लगी हो कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इनशाला आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में बैम